जैन धर्म में उपवास करने से आत्मा नहीं मिलता, आत्मा मिल जाए तो उपवास हो जाता है। खेल में आया कि नहीं आया? लेकिन जो ये परंपरागत धर्म है, जो ये वंशानुवाद है, जो ये कुल अपेक्षा धर्मधारी है, इसको ये ख्याल में नहीं है कि ये काम क्यों करना। महावीर ने ये काम किया था, आचार्य कुंद देव ने किया था, इसलिए मुझे करना चाहिए। अंतर समझ में आया? पकड़ में आया कि नहीं आया? महावीर आज उपवास करे, महावीर ने क्या किया? उपवास किया। तो ये क्या कहता है कि भाई साहब, जब महावीर जैसे तीर्थंकर उपवास करते हैं तो हमें क्यों नहीं करना चाहिए? पकड़ में आया कि नहीं आया? तो ये उपवास रह जाता है। लेकिन तुमने महावीर से पूछा कि आपने महाराज आज उपवास क्यों किया? मिले थे तुम्हें महावीर? अगर मिले होते तो महावीर क्या कहते बताओ? सोचो, महावीर से अपन पूछते कि महाराज आज आहारों के लिए क्यों नहीं निकले, तो महावीर क्या कहते कि आज अष्टमी है, आज चतुर्दशी है? क्या बोलते कि आज आत्मलीनता इतनी ज़्यादा हो गई कि भोजन की याद ही नहीं आई, इसलिए आहारों के लिए नहीं निकले। ये तो है महावीर का उपवास। और तुम्हारा उपवास कैसा है कि महावीर नहीं निकले थे सो हम भी नहीं निकलेंगे। ये अलग बात है कि हमें उपवास के दिन आत्मा की तो याद नहीं आती, भोजन ही भोजन की याद आती है। समझ में आया रमेश जी? क्या कहा? उपवास महावीर का और उपवास तुम्हारा, अंतर आ गया ख्याल में? महावीर उपवास नहीं करते, महावीर तो आत्मा का आनंद लेते हैं और उस आनंद में उपवास हो जाता है। और तुम उपवास करते हो और दुख भोगते हो, क्योंकि तुम्हें आनंद का तो पता है नहीं, लेकिन महावीर उपवास करते थे इसलिए मैं करूँगा। देखो कितने मुनिराज कितने संयम से, अरे भाई ब्रह्मचर्य का आनंद जिसे आए उसके विकार मिटता है। क्या कहा मैंने? क्षमा का जिसे आनंद आए उसके क्रोध मिटता है, आत्मा का जिसे आनंद प्रतिष्ठा मिले उसके बाहर की प्रतिष्ठा छूट जाती है। बाहर की प्रतिष्ठा छोड़ने से अंदर की प्रतिष्ठा मिलती है। अगर ऐसा धंधा होता या इतना सरल काम होता तो हम और आप कभी चार गति में घूमते ही नहीं। फिर तो मोक्ष जाना बहुत सरल था। तो मोक्ष जाने में क्या था? बोलो कुछ था? एक सोनागर पे प्लॉट ले लो आउटर में, जहाँ कोई ना मान ना सम्मान ना क्रोध ना कुछ, और रहने लगो दो चार साल में मोक्ष चले जाओ। कोई दिक्कत है क्या? ऐसा होता तो सब चले जाते भाई। लेकिन तुम कहानी उल्टी कर, तुम सोचते हो क्रोध नहीं आए इसका नाम क्षमा है, जबकि मजेदार बात है कि क्षमा इतनी हो कि क्रोध नहीं आए।